हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम ग्लैंड के बारे में जानेंगे कि ग्लैंड क्या होता है और ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं और ग्लैंड क्या क्या स्रावित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्लैंड। तो ग्लैंड यह बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, एक गुच्छा आकार का होता है जो एंजाइम और हार्मोन को निकालता है, उसी को क्या कहते हैं, ग्लैंड। और ग्लैंड तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, थर्ड मिक्स्ड ग्लैंड। तो हम सबसे पहले जानेंगे इंडोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड का हिंदी होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसका काम होता है हार्मोन को निकालना। और सेकेंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, जिसका काम होता है एंजाइम निकालना। इंडोक्राइन का काम होता है हार्मोन निकालना और एक्सोक्राइन का काम होता है एंजाइम निकालना। और यह थर्ड जो है मिक्स्ड ग्रंथि, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं हिंदी में, उसका काम होता है एंजाइम और हार्मोन दोनों को निकालना। तो हम सबसे पहले आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो हम इसमें ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन को स्रावित करता है, और इसको कहते हैं इंडोक्राइन, जो हार्मोन को स्रावित करता है उसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड मिलकर जो सिस्टम बनाता है उसे हम इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिटेल जानेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन स्रावित करता है वो हो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यह जो है यह प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। तो हम सबसे डिटेल में हम जानेंगे एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंट। तो एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंट। तो हम सबसे पहले जानेंगे एंजाइम। एंजाइम का काम होता है, पहले जानेंगे एंजाइम जो होता है वो क्या होता है। यह प्रोटीन होता है, ये क्या प्रोटीन होता है, यह भोजन के सरफेस पे काम करता है, सतह पे, और थर्ड यह भोजन को डाइजेस्ट करने में यह हेल्प करता है एंजाइम। और हम अब जानेंगे हार्मोन। हार्मोन ये हमारे ब्लड में घुला हुआ होता है, जो ब्लड के माध्यम से हमारे हर एक सेल तक पहुंचता है, वहाँ पे ब्लड के माध्यम से पहुंचकर अपना कार्य करता है। तो हार्मोन कैसे कार्य करता है, यह ब्लड में घुलकर हर एक कोशिकाओं तक पहुंचकर अपना काम करता है, वर्क। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के 8 ग्लैंड पे बात करेंगे जो हार्मोन को निकालते हैं। तो फर्स्ट है पिनियल ग्लैंड, सेकेंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड है थायराइड ग्लैंड, फोर्थ है पाराथायराइड ग्लैंड, फिफ्थ है थाइमस ग्लैंड, सिक्स है एड्रिनल ग्लैंड, सेवन है पैनक्रियाज एंड एट है ओवरीज और टेस्टिस। तो आज के वीडियो में हम एक एक करके हम जानेंगे। तो हम सबसे फर्स्ट ग्लैंड जानेंगे पिनियल ग्लैंड, जिसे हम थर्ड आई के नाम से जानते हैं, थर्ड आई। यह ग्लैंड मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है, और यह जो ग्लैंड है यह मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है, जो हमें सोने जागने के चक्र का नियंत्रण करता है। सोने जागने में कौन सा हार्मोन हमें हेल्प करता है, तो क्या है, मेलाटोनिन। सेकेंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग बाद में देखेंगे, अभी देखते हैं नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड, थर्ड नंबर। इससे निकलने वाला हार्मोन है ट्राईआयरोथायरोनिन हार्मोन, जिसे हम T3 के नाम से भी जानते हैं। तो इसका काम है मेटाबॉलिज्म, मीन्स रेस्पायरेशन या डाइजेशन, जो प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है उस पर काम करता है। बॉडी टेम्परेचर एंड हार्ट रेट, मीन्स
तापमान को भी हमारे बॉडी में नियंत्रित करता है और हृदय गति को भी नियंत्रित करता है। उसके बाद सेकेंड निकलने वाला हार्मोन है कैल्सीटोनिन, जो रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द बॉडी। कैल्शियम और फॉस्फेट को हमारे बॉडी में रेगुलेट करता है, मतलब नियंत्रित करता है। उसके बाद थर्ड है थायरोक्सिन, जो हेल्प करता है प्लेस विटल रोल इन डाइजेशन हार्ट एंड मसल फंक्शन, मीन्स हमारे बॉडी में पाचन क्रिया में हेल्प करता है, मांसपेशियों को भी फंक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद ब्रेन डेवलपमेंट, मीन्स हमारे दिमाग को विकसित करने में हेल्प करता है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ बोन्स, मीन्स हमारे हड्डियों को रख रखाव और उसको व्यवस्थित करने में हेल्प करता है थायरोक्सिन हार्मोन। फोर्थ नंबर ग्लैंड देखेंगे पाराथायराइड ग्लैंड, इसका काम है कंट्रोल्स द कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड स्ट्रीम, मीन्स ब्लड में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है बोन्स किडनीज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्पॉन्स टू PTH बाई इंक्रीजिंग कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड, मीन्स हड्डी किडनी छोटी आंत ब्लड में इंक्रीज करता है क्या चीज़ का, कैल्शियम लेवल, जो PTH की प्रतिक्रिया देने में हेल्प करता है। किसके द्वारा, पाराथायराइड ग्लैंड के माध्यम से। फिफ्थ नंबर ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, इससे निकलने वाला हार्मोन है थाइमोपोएटिन हार्मोन। इसका काम होता है अफेक्ट्स द रेट एट विच योर स्किन एज, मींस त्वचा के उम्र दर को प्रभावित करता है थाइमोपोएटिन हार्मोन। स्किन का खराब होना या अच्छा होना इसी हार्मोन पर निर्भर करता है, थाइमोपोएटिन हार्मोन। अब नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, सिक्स नंबर, इससे निकलने वाला हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, जो हेल्प करता है हेल्प द किडनीज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ साल्ट, मीन्स किडनी में साल्ट मीन्स नमक की मात्रा को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एल्डोस्टेरोन। उसके बाद सेकेंड नंबर हार्मोन है कॉर्टिसोल, जो हेल्प करता है हेल्प इन मैनेज एंड यूज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा को प्रबंधन और उसके उपयोग में हेल्प करता है कॉर्टिसोल। उसके बाद थर्ड नंबर हार्मोन है एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन, जो एंड्रोजन है यह मेल सेक्स हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो है वह फीमेल सेक्स हार्मोन है। अब नेक्स्ट ग्लैंड है पैनक्रियास, यह एक ऐसा ग्लैंड है जो हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है। तो इससे आप सब समझ गए होंगे कि इसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं, मीन्स अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि, इसे दोनों कहा जा सकता है। तो इससे लेकिन हम इस वीडियो में हार्मोन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इससे निकलने वाला दो ठो हार्मोन है, फर्स्ट इंसुलिन और सेकंड ग्लूकागन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें जो एनर्जी है वो विटामिन से मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जो जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज से जो होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें मधुमेह का सामना नहीं करना पड़ता है, मीन्स इंसुलिन। अगर वहीं ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में अगर कन्वर्ट ना हो तो उसे क्या होगा, इंसुलिन हो जाएगा, मीन्स मधुमेह। तो उसी को हम लोग देखते होंगे गांव देहात में जो इंजेक्शन लेते हैं हम लोग, तो क्या चीज़ का होता है, वो इंसुलिन का जो लेते हैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए ही वो इंजेक्शन लेते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे एट नंबर, जिसे हम ओवरी कहते हैं, ठीक है। ओवरी यह फीमेल में होता है, जिसे हम अंडाशय भी कहते हैं। उसके बाद है टेस्टिस, जो मेल में होता है, जिसे हम वृषण भी कहते हैं। और ओवरी और टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन को हम सेक्स हार्मोन कहते हैं।
अब हम जानेंगे ओवरी से निकलने वाले हार्मोन के बारे में। तो ओवरी से दो हार्मोन निकलते हैं, फर्स्ट एस्ट्रोजन और सेकंड प्रोजेस्टेरोन। तो यह ओवरी में इसका क्या काम होता है, ठीक है, ये जानेंगे। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हेल्प टू रेगुलेट ए ह्यूमन मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रेगनेंसी। मीन्स ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है दोनों हार्मोन, ये ह्यूमन के मेंस्ट्रुएशन साइकिल मीन्स मासिक चक्र और प्रेगनेंसी मीन्स गर्भावस्था में यह हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टेस्टिस। ये जो टेस्टिस है यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकालता है, जिसका काम होता है रेगुलेट्स फर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता को और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन शारीरिक विशेषताओं को नियंत्रित करना। किस हार्मोन का काम होता है, टेस्टोस्टेरोन। अब हम लास्ट देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, जो यह शरीर का सबसे छोटा ग्लैंड होता है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यह इसका मैक्सिमम ग्लैंड पे इसका कंट्रोल रहता है। तो इससे पहला हार्मोन निकलने वाला होता है ग्रोथ हार्मोन, जो यह बॉडी विकास करने में हेल्प करता है और संरचना में भी हेल्प करता है। और इसका सेकेंड है निकलने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो स्टिमुलेंट्स करता है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन मीन्स फीमेल में दूध के वृद्धि में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। और थर्ड देखेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कॉन्ट्रैक्टिंग यूटेरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ मीन्स बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय में संकुचन करने में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लेकिन ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है यह एनिमल में यह दूध के वृद्धि में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका काम होता है रेगुलेट्स द फंक्शंस ऑफ बोथ द ओवरीज एंड टेस्टिस मीन्स ओवरी और टेस्टिस के कार्य को नियंत्रित करना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है। उसके बाद सेकेंड देखेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसका काम होता है प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल डेवलपमेंट्स एंड फंक्शनिंग। तो इसका काम होता है सेक्सुअल मीन्स यौन विकास क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है। उसके बाद देखेंगे थर्ड एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसका काम होता है हेल्प्स टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, यह ब्लड प्रेशर को कम करता है, कंट्रोल में रखता है। तो चलिए आज के वीडियो में एंडोक्राइन ग्लैंड समाप्त हुआ। ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।